मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। बूंदी में चित्रशाला में निशुल्क प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद पर आज भारतीय जनता पार्टी के बूंदी विधायक अशोक डोगरा सहित अन्य पदाधिकारियों ने तिरंगा झंडा लेकर चढ़ाई की। गढ़ पैलेस पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का होने के कारण चित्रशाला में प्रवेश नहीं कर पाए। वहीं भारी पुलिस जाब्ते ने बूंदी विधायक अशोक डोगरा सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का रास्ता रोका। भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार सहित पुरातत्व विभाग ने भी पूरे राजस्थान में चित्रशालाओं में प्रवेश निःशुल्क कर रखा है, मगर बूंदी में विदेशी पर्यटकों से 500 और देशी पर्यटकों से 180 वसूले जा रहे हैं, जो कि अवैध रूप से वसूली की जा रही है। बूंदी का तारागढ़ फिलहाल भंवर जितेंद्र सिंह के संरक्षण में चल रहा है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को रोका गया। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के पूर्व मंत्री और गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाते हैं। कुछ समय बाद जिला प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और चित्रशाला में निशुल्क प्रवेश के लिए बूंदी विधायक अशोक डोगरा और ममता शर्मा को दिया 7 दिन का समय। इस दौरान विधायक अशोक डोगरा के साथ पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा, नगर परिषद सभापति महावीर मोदी, शहर अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सहित कई वार्ड मेंबर और टूरिस्ट होटल संचालक मौजूद रहे। नहीं लिखा है और इसके लिए संरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन इन लोगों की धांधली है जो इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और इस तरह से इन्होंने शुल्क लगा रखा है। ये लोगों को बहुत असर पड़ रहा है, टूरिज्म खत्म हो रहा है धीरे धीरे बूंदी में। एक तरफ हम कहते हैं कि बूंदी पर्यटन नगरी है और दुनिया के मैप में है, दूसरी तरफ बूंदी में इस तरह का ये सब जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत। इससे क्या टूरिज्म विभाग को फर्क पड़ेगा अगर चित्रशाला में पैसा वसूला जाएगा तो? बिल्कुल पड़ेगा। समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।